जांच करना, ये कोर्ट चले, जज साहब चले और एक्सपर्ट चले वहाँ पे, देखे उसको थोड़ा सा तोड़िए ऊपर से, देखिए वो पत्थर है कि उस पर बड़ी चूने का प्लास्टर है। अब बड़ी चूने का पर इतना सा भी है, एक इंच भी आप तोड़िएगा तो बड़ी चूना निकल आएगा, और बड़ी चूना अगर निकल गया पत्थर नहीं है क्या करेंगे आप ये बताइए हमें। तो आप यही दलील, वो ईंट पत्थर से बना हुआ चीज है, आप ईंट पत्थर क्यों नहीं देखते, उसको देखने में आपको डर क्यों लगती है? आप वही दलील देने जा रहे हैं? हम यही दलील देते हैं, वो ईंट पत्थर का बना हुआ, ईंट पत्थर देखने में डर क्यों लगती है? क्या आप चाहते हैं परीक्षण हो जाए कोई? हाँ हो जाए, ईंट पत्थर का बना हुआ उसको देखा जाए तोड़ करके, जो टूटी हुई चीज ऑलरेडी टूटी हुई, आप कहते हो टूटी हुई ऊपर सीमेंट से प्लास्टर किया गया, तो जो ऑलरेडी टूटी हुई तो थोड़ा और तोड़ के देख लीजिए उसको, क्यों किस चीज का बना हुआ है, क्या दिक्कत आती है? कार्बन डेटिंग के लिए आप बताइए। कार्बन डेटिंग में तो कुछ नहीं आई, तो आपको और भी समझ में नहीं आती, मेरी भी समझ में आती, इनको भी समझ में नहीं आती, ऐसी चीजें क्यों उठाते हैं जो किसी को समझ में ना आए, वो चीजें लेके आई तो सबको समझ, बच्चे को भी समझ। 11 तारीख को आपको सुनने को कहा है जी, क्या कुछ बातें रही? 11 तारीख को यही बातें हैं कि कार्बन डेटिंग तो वो भी कर रहे हैं कि नहीं होते थे, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो भी नहीं बता पा रहे, अदरवाइज क्या है, आपको बताएंगे तब तो हम बताएंगे, अदरवाइज आप क्या लेके आ रहे हो, आपने तो खुद ही नहीं बताया अदरवाइज क्या होगा, जब आप अदरवाइज नहीं बता पा रहे तो हम क्या उस पर जवाब देंगे आपको? पर्चे दे दीजिएगा नाम। आज स्पष्ट सुनवाई हुआ है मतलब कार्बन डेटिंग के लिए कि वैज्ञानिक विधि द्वारा ही मतलब कार्बन डेटिंग होगा, और बस चल ही रहा था कि मतलब विपक्ष लोग बोले हैं कि अभी हम लोग फैसला सुनने आए थे, हम लोग अपना फाइल लेके नहीं है, ऐसा अगली तारीख हम लोग को दिया जाए, तो 11 तारीख हम लोग को दिया गया। बात की जाए आप लोगों का दो ग्रुप बन गया है, तो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि डेटिंग करानी चाहिए, एक दूसरे कह रहे हैं कि नहीं खाली नहीं जाऊँगा। देखिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये वो जानेंगे, हम लोग चारों लोग एक हैं और हम लोग भोले बाबा के कहीं तो करें, साक्ष्य जो मिल गया है उसको तो हम लोग पूरा मतलब करवे करेंगे ना, कि ये भोले बाबा हैं कि फवारा है क्या है, उसके लिए तो हम लोग जाँच की मांग की है, तो वैज्ञानिक विधियों द्वारा जाँच की मांग की है हम लोग। आज कोर्ट में मतलब ऐसा है जो कार्बन डेटिंग के कर रहे हैं लोग प्रार्थना पत्र, हमारी प्रार्थना पत्र 250 गज जो थी वह कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच अन्य प्रकार से जिसे हो सके बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए वह जांच करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर विपक्षी का आपत्ति आया था, विपक्षी ने अपनी आपत्ति के पैरा 4 में स्पष्ट कहा है कि 16/5/22 को जो प्राप्त हुआ है जिसको 12 है अंबादी लोग शिवलिंग कह रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए पूजा का अधिकार नहीं दिया सकता है, यही शब्द को उन्होंने पैरा 8 में भी रिपीट किया है, तो बिना जांच का स्पष्ट हो नहीं पाएगा, और हमारी प्रार्थना पत्र बिना शिवलिंग के किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाए या वैज्ञानिक जांच कराई जाए जिससे कितना प्राचीन है और कितनी गहरा है, इसका आधार हुआ क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इस जांच के प्रार्थना पत्र था। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा पुनः इस पर कुछ कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जाँच पर बहस के लिए कहा गया, स्पष्ट करिए, स्पष्ट बहस पुनः किया गया और विपक्ष द्वारा यह कहा गया कि आज हम पत्रावली लेकर के नहीं आए, फाइल लेकर नहीं आए, क्योंकि हम आदेश सुनना चाह रहे थे और इसलिए हमको इस बहस के जवाब हेतु समय चाहिए, तो 11 अक्टूबर को समय रखा गया है, तो आप अपना जवाब दें, उसके बाद यदि जवाब देना चाहें तो जवाब देंगे तो आदेश हो जाएगा, ऐसा न्यायालय द्वारा आदेश हुआ है, 11 अक्टूबर को पूरा सुनवाई के लिए रखा गया है। क्या कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच, कार्बन डेटिंग ही नहीं सिर्फ आ गया पत्थर, कार्बन डेटिंग होती नहीं है, और जो सीलिंग के ऊपर जो सीमेंट थोप दिए गए हैं, जो चक्री बना दिए गए हैं इत्यादि जाँच स्पष्ट किया जाए, वो फबारा विपक्षी संख्या 4 अंजुमन जामिया के आपत्ति में स्पष्ट लिखा है पैरा 4 में कि यह जो 16/5/22 को प्राप्त हुआ है सीलिंग, इसको सील किया गया है माननीय न्यायालय के आदेश से, वह फब्बारा है और सीलिंग है या स्पष्ट नहीं है, और उन्हें यही शब्द को पैरा 8 में भी कहा है, तो ऐसा कहने से जब तक जांच नहीं होगा तब तक स्पष्ट हो नहीं पाएगा। कार्बन डेटिंग की मांग ही क्योंकि जब वो कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती है, कार्बन डेटिंग की मांग नहीं है, कार्बन डेटिंग के साथ वैज्ञानिक तरीका, एप्लीकेशन में आपके कार्बन डेटिंग को लिखी है, कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीका एप्लीकेशन में लिखा है, दोनों चीज है, एक चीज क्यों पढ़ रहे हैं, दोनों चीज पढ़िए, एप्लीकेशन संशोधन क्यों नहीं कराया, क्यों संशोधन कर दें, हम दोनों, हमारा मांग स्पष्ट है, हमारी मांग स्पष्ट है कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाए। तो ये हमारे साथ थे सुधीर जी, आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दोबारा इस मुद्दे पे जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कार्बन डेटिंग और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है उसकी, उसमें दोबारा माननीय न्यायालय ने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज लगाया था,
माननीय न्यायालय ने जब कोर्ट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि इस केस में ऑर्डर पहले हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दे दिया है। मुस्लिम पक्ष उस पर अपना प्रत्युत्तर देगा, जिसके लिए 11 अक्टूबर मंगलवार को लगाया है 2 बजे। माननीय न्यायालय उनको सुनने के बाद इसमें अपना ऑर्डर पास। 11 अक्टूबर को क्या मान के चले कि फैसला 11 अक्टूबर को माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष को सुनेगा, जो इसमें अपना प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, आज जो हमने क्लैरिफिकेशन दिया था, और उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय उसमें अपना फैसला सुनेगा। क्या क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने हमसे मांगा था। कोर्ट ने हमसे एक क्लैरिफिकेशन मांगा था कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसपे हमने ये बताया कि हमने अपने सूट में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की है, और जब वजू खाने में जो पानी था जब वो कम किया गया तो जो इनविजिबल डेटीज थे वो विजिबल डेटीज हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे भी क्लैरिफिकेशन मांगा, जिसपे हमने बात रखी कि ऑर्डर 26 रूल 10A में CPC में व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम गठित करके एक सर्वे कमीशन अपॉइंट कर सकता है। इन दोनों मुद्दों पे कोर्ट के सामने हमने अपना क्लैरिफिकेशन रख दिया है। आज मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने इस केस को ऑर्डर के लिए रखा था, पर कोर्ट की ये पावर है, इनहेरेंट पावर है, कि अगर ऑर्डर पास करने से पहले उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो काउंसिल से मांग सकती हैं। तो हमारे सीनियर और हमने, हरिशंकर जैन साहब ने और हमने पेटिशनर नंबर 2 से 5 की तरफ से अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने रख दिया है, और मुस्लिम पक्ष उसका प्रत्युत्तर देना चाहता है, उसके लिए कोर्ट ने 11 अक्टूबर रखी है। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना फैसला, यानी कि फैसले में भी वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, 11 अक्टूबर के बाद फैसला। विष्णु जी, हमारे साथ कुछ